हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASRD एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमेशा होती है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं IPO के बारे में। आने वाले IPO के बारे में नहीं बात करेंगे, हम थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, दुनिया से अलग चल के हटके ज़्यादा आसान तरीके से ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने के बारे में देखेंगे। हम बात करेंगे IPO के बारे में, वो IPOs जो कि ये निकल चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर, लिस्टेड IPOs के बारे में देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रही ये, और उसमें से कौन से नाम है जो आपको पसंद है, उसमें से कौन से नाम है जो मुझे पसंद है, और आपकी राय मेरी राय को शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप अपने कमेंट के थ्रू वो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको नॉलेज शेयर करके बताना चाहता हूँ कि जो मैंने स्टडी करा, मैं रिसेंट में काफ़ी सारी जैसे सीखने के लिए नए नए लोगों की वीडियोज़ देखते रहते हैं, काफ़ी मार्केट लेजेंड्स के देखते हैं, तो एक मिस्टर बसंत महेश्वरी के बारे में एक उनकी वीडियो देख रहा था, तो उनसे एक सजेशंस लिया गया कि भाई अच्छे स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे। देखिए, अच्छे स्टॉक्स ज़्यादातर महंगे हो चुके हैं या काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यू पे नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने कहा देखो अच्छे स्टॉक्स कहाँ से आते हैं, अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं IPO के अंदर में, क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर में लिस्टेड हैं उसके ऊपर में सब लोगों ने पोजिशंस बना के रख चुके होते हैं और वो काफ़ी हद तक सेटल्ड हो चुके होते हैं। तो कई बार क्या होता है, IPO में ऐसे स्टॉक्स भी आते हैं जो कि अपने मार्केट के लीडर्स हो सकते हैं लेकिन लिस्टेड नहीं थे, जैसे कि आप जोमेटो को देख सकते हैं, फूड चैन डिलीवरी के अंदर में ये अपने आप में एक मार्केट लीडर है। आप कई लोग बहस करेंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप उन्हीं लोगों से पूछेंगे कि क्या इन्फो एज का डिसीजन गलत था, सोचो उस ज़माने के उनके इन्वेस्ट करे हुए कुछ करोड़ रुपए आज हज़ारों करोड़ रुपयों में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्या वो डिसीजन गलत था? क्या आज वो अपना सिर्फ सर्टन थोड़ी सी परसेंटेज को सेल ऑफ करके इतनी मोटी अमाउंट को वो पुल ऑफ कर पा रहे हैं, क्या वो गलत है? वो डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि आपको एक ऐसा जो फ्यूचर को चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी है वहाँ पर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फिनोमिनल रिटर्न मिल सकती है। मैं तो कहता हूँ कि इनफैक्ट अगर हम टाटा मोटर्स, टाटा पावर या केमिकल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर हम EV के थ्रू इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को मल्टीप्लाइड होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप जोमेटो को टाइम दीजिए तो आप शायद उससे ज़्यादा अच्छा कमा पाएँ। अब हम बात करते हैं सीधा पॉइंट पे आके IPOs के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको पहले IPOs की झलक दिखाते हैं, 2019 में कौन से IPO गए थे, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रही। 2019 में टोटल जो IPOs आए थे 9 बड़े IPO थे, और उनकी अगर मैं आपको रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने 2 साल के अंदर में 20 और 21 आ रखा है, अभी हार्डली 21 भी आधा ही निकला है। इस टाइम पीरियड के अंदर में कोई भी ऐसा IPO नहीं है एम्बेसी ऑफिस पार्क के अलावा जो कि आपका डबल ट्रिपल या चौबल नहीं हुआ हो, मतलब मल्टी बैगर्स रिटर्न दिए हैं सारे के सारे IPOs ने आपको, और इन सब में से किसी ने भी लिस्टिंग डेज के अंदर में आपको 30-40% के अराउंड की रिटर्न्स नहीं दी थी। आप बात करें FL इंडिया की, 17% लिस्टिंग डे गेन था, जबकि आज करंट गेन उसका 458% है 2019 से लेकर। बात करते हैं आगे के बारे में, हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि ROC और PE के बारे में जब हम लिस्ट सिलेक्टेड स्टॉक्स को देखेंगे। अब सीधा पॉइंट से बताता हूँ, इंडिया मार्ट इंटरमेस को अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 33% लिस्टिंग के दिन गेन था लेकिन आज 627% का गेन है। मेट्रोपोलिस के अंदर में 9% लिस्टिंग डे गेन था, 234% का गेन है आज की तारीख में। प्रिंस पाइप में -6% गया था लेकिन आज लगभग 277% है। पॉलीकैप सेम 21% था, 233%। नियोजन केमिकल 22% था, 322% के ऊपर गेन में चल रहा है। IRCTC 127% लिस्टिंग डे गेन था लेकिन आज 613% चल रहा है अपने मेन लिस्टिंग प्राइस से। एक्सलो ये क्या है, जेल मॉक डिज़ाइन एंड टेक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, -32% 9.32% था, और आज 523% की रिटर्न्स दे रहा है ये। सिर्फ एक एम्बेसी ऑफिस पार्क को देखेंगे जिसने 4% की रिटर्न दी थी, आज 18.90% की रिटर्न दे रहा है लिस्टिंग प्राइस से। लिस्टिंग डे गेन के अगर कंपेरिजन देखेंगे तो करंट डे गेन को देखेंगे तो आपको काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न्स दिखाई देंगी, ये आपको 2019 के बारे में। मतलब अगर आप लिस्टिंग डे पे नहीं भी मिला, आपको IPO अलॉट नहीं भी हुआ है और उसके बाद भी आप अगर इनमें से इन्वेस्टमेंट करते तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, क्योंकि ये नए लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी स्टेक टाइम के संग में थोड़ा कम करते हैं, FII के पास
एंट्री लेने के लिए टाइम्स होता है, डीआई के पास में टाइम्स होता है, मार्केट के बड़े पिलर्स यहाँ पे अपनी क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अर्न करने की। इसके बाद अगर हम 2020 के बारे में बात करें, यहाँ पे भी 2020 अभी पिछला टाइम पैंडेमिक टाइम पीरियड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कैंप्स के बारे में बात करते हैं, 13% का रिस्पॉन्स मिला था लिस्टिंग डे गेन के अंदर में, आज 157% के गेन पर है। लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, 13% की उसमें था, किसी ने सोचा ही था इंफ्रा वाले में ज़्यादा अमाउंट आएगी, लेकिन 234% की रिटर्न्स आपको ये दे रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड की तो बात ही अलग है, लिस्टिंग डे के अंदर ही डबल हो गया था, पर आज लगभग 8 गुना हो गया है अपने प्राइस से। रूट मोबाइल की बात करते हैं, सिर्फ 86% मतलब 86 सिर्फ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 521% की रिटर्न्स इसने दी है। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल 72% का लिस्टिंग डे में गेन दिया था, उससे नीचे आया है ये 44% पर, इसको रिव्यू कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। ग्लैंड फार्मा की बात करते हैं, 21% लिस्टिंग डे गेन था, 160% आज के दिन में अभी चल रहा है। रोजारी बायोटेक 74%, 188%, एंजल ब्रोकिंग -9.85% दे रहे थे, आज 297% का गेन दे रहा है आपको। मिसेज बैक्टर की बात कर रहा है, लिस्टिंग में बड़ा पॉपुलर हुआ था, 100% के गेन थे, आज उससे आधा हो रखा है, 52% के गेन है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, इसको जरूर आप नज़र पे रख सकते हैं, 21% का ROC और 35 के पी पे चल रहा है। UTI AMC जिसको कोई भाव नहीं दे रहा था, -13% नीचे चल रहा था, 72% आपको इतना कम टाइम पीरियड में दे रहा है। SBI कार्ड जिसका खूब हल्ला था, -9% लिस्टिंग में दिया और 34% अभी है। और देखिए बर्गर किंग पहले दिन ही डबल हुआ था, लेकिन उससे भी एक गुना और बढ़ गया, 206% आज की तारीख में दे रहा है। अब बात आती है बिल्कुल लेटेस्ट IPOs के बारे में, 2021 में तो बाहर आ रखी है, काफ़ी सारे IPOs हैं, सबके नाम अभी यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हम एक डिटेल्स में अगर एक बार रिव्यू कर लेते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये, आपको एक बार लिस्ट जरूर देख लें। न्यूरेका लिमिटेड, इजी ट्रिप, क्लीन साइंस, इंडिया पेस्टिसाइड्स, हिरानबा, किंग्स का था स्टोर क्राफ्ट, डोडला, श्याम मेटेलिक्स, इंडिगो पेंट्स, एंटोनी वेस्ट वेस्ट हैंडलिंग सेल्स, GR इंफ्रा, सोना BLW, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, MTR, क्राफ्ट्समैन, रेलटेल, अनुपम रसायन, कल्याण, नजारा बारबेक्यू एंड जोमेटो। अगर हम इनको एक साथ पूरी झलक में देखें तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं यहाँ पे जो आई हैं, लिस्टेड हुई हैं। पिछले अगर आप मैं बात करता हूँ 3 साल के अंदर 19, 20, 21 43 कंपनीज हैं जहाँ पे आप आने वाली पीढ़ी को बोल सकते हैं कि जिस समय लिस्ट हुआ था उसके बाद में हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली थी। क्योंकि आज मेरे को HDFC में कुछ अनोखा करके दिखाना है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 2000 के अराउंड पे जब ये लिस्टिंग हो रहे थे, इनके स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते, उस समय जिन लोगों ने उसके टाइम पीरियड में पिछले पहले 5 साल में 7 साल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे अर्न करा, उनकी फिनोमिनल रिटर्न्स रहेगी, वो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूज़ के ऊपर अवेलेबल है। मैंने अपनी नॉलेज के अनुसार जितना मेरे को ठीक लगता है तो मैंने कुछ छाटे हैं, आपको कुछ अच्छे लगे तो बताना। अब इनको लिस्ट डाउन करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में और थोड़ा सा डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक है कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको भी डिटेल में रिव्यू करना होगा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। देखिए लिस्टिंग गेन के बाद में 13% था, आज या किसी को बढ़ा हुआ लग रहा होगा, आधे लोग यही घबराते रहते हैं बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू लेके देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इसमें देखें 57% का ROC है, ROC मतलब अर्निंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर में आ जाता है आपके पास में। तो अगर PE से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको देखते हैं, जो जितने ज़्यादा तरह से अमाउंट के कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर में अर्निंग करके दे सकता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है पैसा बनने की। तो इसके ROC को देखते हुए और जिस तरीके की मार्केट में ऑलमोस्ट आप इसको मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में बोल सकते हैं, 57% का ROC PE 74 में काफ़ी रीजनेबल लगता है मुझे, अगर आप इसको InfoEdge के साथ में कंपेयर करें या दूसरे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के साथ में कंपेयर करें, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी फॉर कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,474 करोड़ का है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग आता है आपका, अर्निंग पर शेयर, जिस दिन अर्निंग पर शेयर आपकी बढ़ जाती है और प्राइस को ज़्यादा अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर पाते हैं तो पी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा बढ़ती हुई कंपनी में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो छोटी कंपनी होती हैं स्मॉल कैप मिड कैप होती हैं ये कभी भी अपने पी को वो कम कर सकती हैं, जबकि लार्ज कैप में चीज़ होने की अपॉर्चुनिटी कम रहती है। अब मुझे इनमें सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी लगी इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, बहुत ही रिसेंट की लिस्टिंग है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर में मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें लिस्टिंग डे गेन 15% था, अभी 13.5% का चल रहा है, बहुत ही रिसेंट की लिस्टिंग है। लेकिन इसके ROCE की बात करते हैं, 52% का ROCE है और 29 के PE पे चल रहा है,
फैंटास्टिक। और 3,867 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब आगे बढ़ने की फुल चूस अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा डिटेल से रिव्यू करेंगे, हो सकेगा तो शायद मैं आज ही वीडियो लेके आऊँ उसके ऊपर में। मैं भी इसको स्टडी कर रहा था, फिर यहाँ पे पोजीशन बनाने के बारे में देख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड कितना अच्छा काम कर रहा है अगर आप देखेंगे, यह 735% की ग्रोथ के उसमें चल रहा है। ये 35 का ROC है और 134 का PE है। हम इसको ROC, PE और इसकी वैल्यू से थोड़ा बढ़कर देखें तो ये है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं काम कर रहा है, जो बिटकॉइन वाली होती है, और एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं काम कर रहा है। तो वो इसका जो सेक्टर है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी जो ऑर्डर बुक में रहता है कि 98% ऑनलाइन ऑर्डर्स है इनके पास में, जो वो थोड़ा सा यूनिक है इसके लिए। और मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं आप काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड उसमें, तो इसकी ग्रोथ आनी ही आनी है, इसके ऊपर मैं आप देख सकते हैं। फिर एक किम्स है, हॉस्पिटल सेक्टर्स का जिस तरह से बूम है आपको देखा, हेल्थ केयर के में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो वन ऑफ द गुड कंपनीज में अगर आप इसको पाएंगे। 20% की ही इसको लिस्टिंग डे गेन मिला था और अभी 45% के गेन पे चल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 32% का ROC दे रहा है और 46 के PE के ऊपर है, डेफिनेटली वॉच करने के लायक है, इसको स्टडी कर सकते हैं। स्टोन क्राफ्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए आपको अभी लगभग डबल हो चुका है जब से लिस्टिंग हुआ है, लेकिन अगर ROC की बात करते हैं 31 के ROC में मिलेगा, 30 के PE में मिलेगा। इनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आप इनको स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के ऊपर में ये अवेलेबल मिल रहे हैं। डोडला डेयरी इंडस्ट्री के अंदर में मैंने इनका इंटरव्यू देखा था और काफ़ी एक दो घंटे का जो पूरा डिटेल से देखा था, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं साउथ सेक्टर्स में, साउथ साइड में ये कंपनी रहती है आपकी, और काफ़ी अच्छा काम है इनका और मैनेजमेंट भी काफ़ी ऑनेस्ट लगी थी। तो यहाँ देखें 42% लिस्टिंग डे के अराउंड पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ROC 29, PE 30, ये और ये सेम आपका 3637 के अंदर में, मतलब अट्रैक्टिव है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है लेके बैठने की। 2 साल देखिए डबल से ट्रिपल होने की अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं। कैमकॉन केमिकल्स की बात करी थी हमने, यहाँ पे भी देखेंगे 29 का ROC और 30 के PE पे बैठा हुआ है, जिस तरह से अगर आप देखेंगे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्रिंस पाइप्स रिटर्न अभी फिनोमिनल्स दे चुका है 277% की, लेकिन अगर आप पाइपिंग सेक्टर का एनालिसिस करेंगे तो अगर आप बोलेंगे एस्ट्रल के कंपेरेटिवली नेक टू नेक चलता है और बहुत क्वालिटी है इस कंपनीज के अंदर में, और ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी छोटी है, 7407 करोड़ रुपये की कंपनी है, लेकिन 28 का ROC और 33 के PE मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ये। यहाँ पे आप धीरे धीरे कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेटल्स का सेक्टर चल रहा है, सब भाग चुके हैं, सबके अंदर सबकी पोजीशंस है, लेकिन श्याम मेटेलिक अभी पिछले महीने सब लोग इसको लेने के लिए भाग रहे थे, मल्टीप्लाइड टाइम पे इसको अलॉटमेंट हुई थी, लोगों को मिले नहीं थे, अब सब ठंडे पड़ गए। क्यों? अच्छी कंपनी तो तब भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। 26 का ROC 12 के PE पे बैठी हुई है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में देख सकते हैं। पॉलीकैम मेरी ऑल टाइम फेवरेट, 2019 से मैंने लिस्टिंग के बाद में ले लिया था, मेरे को नहीं मिला मैं तब भी ले लिया थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ ही, लेकिन अगर आप देखें लगभग 3 गुना हो चुका है अपने लिस्टिंग के बाद से। अभी भी आज की तारीख में भी अगर आप देखें 26 के ROC पे बैठा और सिर्फ 27 का PE है, जहाँ पे बाकी कंपनियों के PE आसमान फाड़ के जा रहे हैं, इसका अभी भी अच्छा है। एंजल ब्रोकिंग के बारे में बात करते हैं, आपको वहाँ पे भी अच्छा दिखाई देगा, 2627 और इसका था और उसका पहली कैप 2431 के उसमें है। IRCTC ये 613% की रिटर्न दे चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने अपनी अभी एक्चुअल पोटेंशियल को नहीं पाया है, हालांकि PE साइड में काफ़ी हायर साइड में दिख रहा है, ROC 16 में दिख रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट में इनकी अर्निंग पर शेयर गिरी है, क्योंकि जो आपकी रील्स थी या काफ़ी सारी चीज़ें थी ये बंद थे, अब इनका जो पूरी ओपनिंग थीम चल रही है तो इसको अच्छी रिटर्न कमा के देना चाहिए, और अल्टीमेट जहाँ पे पोजीशन बनानी शुरू कर लेनी चाहिए वो है जोमेटो। ये फ्यूचर चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी है, प्रॉफिट कमाना कभी मकसद नहीं था, मार्केट को डिसरप्ट करना इस कंपनी का पर्पस है, जब सब मरेंगे तब ये कमाना शुरू करेगा। किसने सोचा था कि पेटीएम कैशबैक देना बंद कर देगा, फिर भी लोग पेटीएम यूज़ करेंगे, लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, आज की तारीख में सारे के सारे लोग ऑनलाइन जाना चाहते हैं। बैंकिंग सेक्टर मेरे हिसाब से अगले जो आप बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, मेरा जो अपना पर्सनल फीलिंग है आने वाले टाइम के अंदर 5 साल
चार साल तीन साल इतने फास्ट फॉरवर्ड आगे जा रहा है कि शायद बैंक्स बंद हो जाएंगे, जो ब्रिक एंड मोर्टार बैंक्स हैं जहाँ पर आप जाके विजिट करते हैं, सब सर्विस ऑनलाइन हो चुकी है। 8 to 8 का कॉन्सेप्ट शुरू करा था ICICI बैंक ने कि सुबह 8 बजे खुल जाएगा, रात के 8 बजे तक खुलेगा। आज की तारीख में 10:30 से पहले बैंक नहीं खुलते, उनको पता है कि जरूरत नहीं है। मतलब सरकारी बैंक PNB तक अपने लोगों को और डील नहीं करना चाहता है, बोलता है यार आप ऐप यूज़ करिए, वहीं से सारी सर्विसेज मिलेगी, आप कार्ड ले जाइए, पेंशनर को बोलता है, घर पे आके आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, जिस तरह से पेटीएम घर पे आके KYC करके गया था। ब्रिक मोटर बैंक्स बंद होने वाले हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनका फ्यूचर्स थोड़ा सा डाइसी होने वाला है, जिस तरह से पेटीएम बैंक आने वाला है, या फिर अगर आपको पता है जो न्यू एज कंपनीज जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, इनका जो बैंकिंग सॉल्यूशन होने वाला है वो हाई क्लास होने वाला है, तो ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर में हिट हो सकता है, इसीलिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी को ऊपर भरोसा